नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अगर आप घर का खाना खाने की बजाय बाहर के खाने के ज्यादा शौकीन हैं और वो भी घर बैठे ऑनलाइन फूड डिलीवरी वेबसाइट से खाना ऑर्डर करते हैं, तो फिर जोमैटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वेबसाइट के बारे में जरूर जानते होंगे, जो आपके दरवाजे तक खाना पहुँचाने आती है। भूख के वक्त आपके लिए जोमैटो भले ही किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन यही जोमैटो आजकल मुश्किलों में फंस गया है। उस पर हिंदू मुस्लिम होने के आरोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि लोग खाने का भी धर्म बताने लगे हैं। पिछले 24 घंटे से ट्विटर पर बॉयकॉट जोमैटो, आई डोंट स्टैंड विद अमित, आई स्टैंड विद अमित, हलाल, झटका जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। क्यों हो रहा है जोमैटो का विरोध? ट्विटर पर जोमैटो का विरोध जबलपुर के एक कस्टमर की वजह से हो रहा है। दरअसल बुधवार को पंडित अमित शुक्ल नाम के ट्विटर यूजर ने खाना ऑर्डर किया और जब उन्हें जोमैटो की ओर से मिले मैसेज में पता चला कि एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय उनका खाना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने सावन होने का हवाला देते हुए डिलीवरी बॉय बदलने को कहा। जोमैटो ने जब ऐसा करने से इनकार किया तो अमित शुक्ल ने तुरंत ऑर्डर कैंसिल कर दिया और जोमैटो से रिफंड देने की मांग करने लगा। हालांकि जोमैटो ने रिफंड देने से भी मना कर दिया, जिसके बाद अमित शुक्ल ने ट्वीट करते हुए कहा, मैंने अभी तुरंत जोमैटो पर दिया अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो एक गैर हिंदू को मेरा खाना लेकर भेज रहे थे और डिलीवरी बॉय को भी बदलने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि वो मुझ पर इस तरह खाना लेने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं और मुझे रिफंड की कोई जरूरत नहीं है। जोमैटो ने अमित शुक्ल को ट्विटर पर ही जवाब देते हुए कहा, खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना खुद ही एक धर्म है। जोमैटो की इसी जवाब की वजह से ट्विटर पर उसका विरोध होने लगा और लोगों ने जोमैटो को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। समृद्धि नाम की ट्विटर यूजर ने दो ट्वीट के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर जोमैटो पर तंज कसा। पहले ट्वीट में वाजिद नाम का शख्स हलाल चिकन की मांग करता है तो जोमैटो ये नहीं कहता कि खाने का कोई धर्म नहीं होता है, बल्कि गैर हलाल खाना मिलने की शिकायत पर ध्यान देने की बात की। वहीं दूसरे ट्वीट में अमित शुक्ल ने जब राइडर बदलने की मांग की तो जोमैटो कहने लगा, खाने का कोई धर्म नहीं होता। ट्विटर पर ये दोनों ही ट्वीट खूब शेयर किए जा रहे हैं। इस विवाद की वजह से अमित शुक्ल के सपोर्ट में ट्विटर पर आई स्टैंड विद अमित ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं अमित शुक्ल के विरोध में आई डोंट स्टैंड विद अमित ट्रेंड कर रहा है। जोमैटो का ऑर्डर कैंसिल करने वाले अमित शुक्ल ने इस विवाद पर कहा कि संविधान ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी है, सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए मैंने डिलीवरी बॉय को बदलने का अनुरोध किया। मैं अब से जोमैटो से कुछ भी ऑर्डर नहीं करूंगा। वहीं जोमैटो डिलीवरी बॉय फयाज ने इस पूरी घटना पर कहा, इस घटना से मुझे काफी दुख पहुंचा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? हम काफी गरीब लोग हैं और हमारे साथ ऐसा होता रहता है। किसी भी कस्टमर को अपना ऑर्डर रद्द करने का अधिकार है, फिर वो इसके लिए कोई भी वजह बताए। हालांकि इसे भी सही नहीं माना जा सकता कि हम डिलीवरी बॉय से खाना लेने से सिर्फ इसलिए मना कर दें कि वो किसी विशेष धर्म का है। ये मामला अमित शुक्ल के ट्वीट और जोमैटो की ओर से किए गए जवाबी ट्वीट की वजह से बड़ा बन गया, जबकि जोमैटो इस मामले को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर सकता था, लेकिन वो ट्विटर पर ही ज्ञान देने लगा, जिसकी वजह से अमित शुक्ल के साथ ही जोमैटो की भी जमकर फजीहत हो रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जोमैटो दिसंबर 2018 में भी सुर्खियों में था, जब जोमैटो का डिलीवरी बॉय ऑर्डर किया गया खाना झूठा कर रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसकी वजह से जोमैटो को डिलीवरी बॉय को निकालना पड़ गया था।